कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति है उसको लेके लगातार सरकार सभी आवश्यक कदम उठा रही है। जो कल समीक्षात्मक बैठक हुई थी उसके बारे में मैं केवल दो तीन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूँगा। एक तो चूँकि अभी लॉकडाउन पीरियड है, स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह बंद हैं, तो ये निर्देश दिया गया था माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कि अब सब कक्षाओं के लिए जो ई कंटेंट है उसको डेवलप करने का काम किया जाए। तो इस पर शिक्षा विभाग जो है वो 6 से लेकर 12 तक के क्लास के लिए ई कंटेंट काफ़ी हद तक डेवलप कर चुका है, और आप जानते हैं कि उन्नयन बिहार के अंतर्गत 9-10 के लिए तो ये चल ही रहा है, पर बाकी क्लासेस के लिए भी ये निर्देश दिया गया है कि ई कंटेंट जो भी है वो डेवलप करा लिया जाए ताकि ऑनलाइन शिक्षा देने में सहूलियत हो। दूसरा था कि जितनी भी पाठ्यक्रम की टेक्स्ट बुक्स हैं उनको भी डिजिटाइज कर दिया जाए ताकि वो वेब पर उपलब्ध रहें और उसका जो स्टूडेंट्स हैं उसका उपयोग कर सकें। एक राशन कार्ड धारियों को हम लोग 1,000 रुपये दे रहे थे, अभी तक 1,31,00,000 परिवारों को ये राशि दे दी गई। इसके अलावा जीविका और NULM से जो चिन्हित थे उनमें से भी अभी तक 13,00,000 परिवारों को ये राशि दे दी गई है, उनके पास राशन कार्ड नहीं था। ये प्रोसेस चल रही है, पर एक जो मुख्य समस्या सामने आ रही थी कि बहुत सारे लोगों का आधार लिंक नहीं था राशन कार्ड से, तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिया है कि जो आधार सेंटर हैं प्रखंडों में उनको स्थायी रूप से फंक्शनल कर दिया जाए ताकि किसी को आधार कार्ड बनवाने में दिक्कत नहीं हो। ये तो केंद्रों की व्यवस्था है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर नियमित लोग नहीं आते थे इसलिए वो सभी जगह पूरी तरह फंक्शनल नहीं था, और अभी लॉकडाउन में भी वो बंद था। तो ये निर्देश दिया गया है कि सभी प्रखंडों में जो आधार केंद्र हैं उनको पूरी तरह फंक्शनल कर दिया जाए, और इसके अलावा लोगों की सुविधा के लिए सभी जिलों में जो DRCC हमारा बना हुआ है वहाँ पर ऑनलाइन आधार कार्ड हेतु पूरी व्यवस्था कर दी जाए। कल तक 27 जिलों में यह व्यवस्था हो चुकी थी, शेष जिलों में भी ये व्यवस्था करने का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है। तो इससे जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, बहुत कम लोग ऐसे बचे हैं, लेकिन उनको भी आधार कार्ड मिल जाएगा और उसकी लिंकिंग आसानी से हो सकेगी। लेबर डिपार्टमेंट को कहा गया था कि जो अभी श्रम क्षेत्र में कुछ सुधार किए गए हैं तो उसमें वेजेस को लेके जो एक्स्ट्रा टाइम है उसमें वेजेस को लेके स्पष्टता नहीं थी, तो श्रम विभाग को कहा गया है कि उसके संबंध में स्पष्ट जो क्लैरिफिकेशन है वो निकाल दिया जाए। एक और महत्वपूर्ण विषय पर माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग है अर्बन पुअर के लिए, जो शहरी क्षेत्र में गरीब परिवार रहते हैं उनको किफ़ायती दर पर आवास मुहैया कराया जाए, तो इसके लिए बहुत ठोस तरीके से काम करने का निर्देश दिया गया है अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को। और स्ट्रीट वेंडर्स बिहार में आप जानते हैं काफ़ी लोग हैं, तो ये उसके लिए भी पैकेज में डिक्लेरेशन था, तो ये निर्देश दिया गया कि स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वे अच्छे से कराया जाए ताकि कोई स्ट्रीट वेंडर इसमें छूटे नहीं, और जो भी उसके लिए योजना बने या आए तो उसका पूरा लाभ उनको मिल सके। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थे। आज की तिथि में हमारे जो आपदा राहत केंद्र चल रहे हैं, दिहाड़ी मजदूर, ठेला वेंडर, रिक्शा चालक और इस तरह के ज़रूरतमंद व्यक्तियों के लिए, उनकी संख्या 152 है और उनमें अभी लगभग 70,000 लोग हैं जो उसका लाभ ले रहे हैं। ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर्स की संख्या आज बढ़कर 8,661, इतने ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर्स हमारे अभी संचालित हो गए हैं, और इनमें जो लोग आवासी थे उनकी संख्या 6,40,399, इतने लोग अभी तक इसमें आवासित हो चुके हैं। जो हम लोगों को लॉकडाउन के कारण जो लोग बाहर फंसे हैं अन्य राज्यों में, या यहाँ भी जो लोग फंसे हैं उनसे बहुत सारे लोगों से कॉल और मैसेजेस आते हैं, उनकी संख्या लगभग 2,18,000 हो गई है, और इन सभी कॉल्स पे हम लोग संबंधित
प्रशासन से और राज्य सरकारों से संपर्क कर उनकी समस्याओं का लगातार निवारण करा रहे हैं। जो मुख्यमंत्री विशेष सहायता दी जा रही थी, जो मैंने बताया, उसमें अब जो लाभार्थियों की संख्या बढ़ के 20,03,318 हो गई है। इसके अलावा जो राशन कार्ड विहीन परिवार हैं उनको राशन कार्ड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था सरकार के स्तर से, विभाग उस पर लगातार काम कर रहा है। सभी अनुमंडलों में 300-400 के आसपास ऑपरेटर लगा के युद्ध स्तर पर ये काम किया जा रहा है। अभी तक जो राशन कार्ड जनरेट हो गए हैं, बन गए हैं, उनकी संख्या है 8,40,000। यानी ये ऐसे परिवार हैं जिनको पहले राशन कार्ड नहीं था, तो इन लोगों को राशन कार्ड जनरेट कर दिया गया है। जो रोजगार सृजन के लिए काम किए जा रहे हैं विभिन्न विभागों द्वारा, वो लगभग 4,13,000 के आसपास स्कीम्स चल रही हैं या चली हैं इस लॉकडाउन के पीरियड में, और उनमें अभी तक जिन 2,64,00,000 से भी अधिक मानव दिवसों का सृजन किया जा चुका है। ये टेंटेटिव फिगर है, मैं बताता हूँ हर बार कि, बट ये इससे आपको इंडिकेशन मिलेगा कि रोजगार सृजन के लिए भी सभी विभाग लगातार अनुश्रवण कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। और ट्रेन के बारे में मैंने ग्रुप में मैसेज डाल दिया है, डे वाइज अभी तक का क्या प्लान है, एक प्रश्न भी आया था। और उदाहरण के लिए कल 70 ट्रेन प्लान्ड हैं और जिनके माध्यम से करीब 1,14,200 लोग ट्रेवल करेंगे। तो हम लोग सभी बिहार के जो भी लोग बाहर से आना चाह रहे हैं उनको यहाँ लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और उसके लिए आप देख रहे होंगे कि 70 ट्रेन्स हैं, यानी काफ़ी बड़ी संख्या में ये ट्रेन्स आ रही हैं और बसेस लगाई गई हैं स्टेशन्स पे 4,500 से ज़्यादा। इन सब के माध्यम से हम लोग उनको गंतव्य तक पहुँचा रहे हैं और ये काम अभी जारी रहेगा।